एक चतुर्थी कर्म होता है, चतुर्थी कर्म यानी भामर पड़िया विवाह हुआ है उससे चौथा दिन, ये ससुर साहब के घर में होता है, ससुराल में, यानी कन्या के ससुराल में, उस वधु के ससुराल में। विवाह के तत्पश्चात चार रात्रि तक स्त्री और पुरुष दोनों वर वधु जमीन पर सोते हैं, धरती पर सोते हैं। चौथी रात्रि को हवन होता है, यज्ञ होता है, पूजन होता है, और उस पूजन में हाथ में बंधा हुआ जो कंकन है किसी देवालय में, देव मंदिर में, उसको छोड़ा जाता है। गौ माता के गोबर से उस स्थान को लीपा जाता है, वहाँ एक वेदी बनाई जाती है और उसके ऊपर अग्नि प्राचते तम देवानाम प्राचतशा ब्रह्मणाम नाथ काम उपधाम इतिहासि पतिनु तृष्णास पुनाशाय, ये सब स्वाहा, ये सब आहुतियाँ डलती हैं। इसको चतुर्थी कर्म कहते हैं। इसको चतुर्थी कर्म क्यों कहा गया है ये अब सुन लीजिए। इसको चतुर्थी कर्म इसलिए कहा गया है कि जब तक भामरें नहीं पड़ती हैं तब तक वह बेटी कन्या होती है, जब तक दान नहीं होता, कन्या दान नहीं होता, तब तक वह कन्या होती है। कन्या दान के बाद में वो वधू हो जाती है। जब हाथ का कंकन छूट जाता है, चतुर्थी कर्म हो जाता है, ये चार दिन निकल जाते हैं, तब वह भार्या बनती है। तब पति और पत्नी का जो संबंध है वो संतान जन्म के लिए एक उसको गृहिणी के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। ये विवाह के चार दिन तीन रात्रि निकलने के तत्पश्चात चौथी रात्रि की बात बताई गई है। अब इसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि मुझे इसकी इस ग्रंथ के माध्यम से जानकारी है तो भी मैं उसको नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता, लेकिन इसमें तो वो सब कुछ ये लिखा हुआ है। इसमें वर्णन है कि कंकन छूटे बिना, इसमें वर्णन है कि ये पूजा किए बिना स्त्री पुरुष का संबंध बनता है तो संतान गर्भ में खत्म होती है, होने के बाद मौत को प्राप्त होती है और स्त्री बांझ भी हो सकती है, ऐसा वर्णन इस विवाह सत्कर्म में ये ऐसा लिखा हुआ है। और एक बात कहकर के मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, यदि इस नियम का पालन न किया जाए तो खानदान परिवार में अकाल मृत्यु भी हो सकती है। ये विवाह के तीन दिन निकलने के तत्पश्चात जो चौथा दिन होता है उसको चतुर्थी कर्म कहते हैं। पति पत्नी का संबंध तब ही जुड़ता है। जो भी बेटियां या बच्चे लोग ये इस बात को ये सुन पा रहे हों, इस बात को बहुत ध्यान में रखा जाए, इन बातों को दिमाग से उड़ा नहीं दिया जावे, इनका ध्यान रखा जाए। देखो, कहा जाता है कि बच्चा पेट में आता है और बच्चा खत्म हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कितने आप जन माताएं बहने आकर के पूछती हैं, तो ये बिना गलती के कुछ होता नहीं है, जरूर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। जो हाथ में जो कंगन जब तक बना है तब तक पुरुष नारायण के रूप में है, वह बिल्कुल उस कंगन की बड़ी महिमा। ये नहीं कि राखी की तरह उसको तोड़ करके जा करके फेंक दो, ऐसा नहीं, वो मंत्रों से खोला जाता है, वो देवालय में खोला जाता है, वो हवन करके खोला जाता है, वो पूजन करके खोला जाता है। कंगन समझते हैं आप? हाँ, वो स्त्री और पुरुष दोनों के हाथ में होता है। जब तक वो कंगन बंधा हुआ है तब तक पति और पत्नी, वो स्त्री पुरुष सांसारिक कर्म में नहीं बन सकते। चौथी रात्रि में ही वह पत्नी भार्या का रूप धारण करती है, और जब वह भार्या के रूप में प्रकट, इसका नाम चतुर्थी कर्म इसलिए है क्योंकि नारी के चार रूपों का वर्णन किया है। पहला रूप है कन्या, दूसरा है वधू जो कन्यादान के बाद वधू बनती है, और तीसरा रूप है उसका पत्नी जो कि सात फेरे के बाद में पड़ती है, ये नाम दिया जाता है। और तत्पश्चात जब वो अपनी ससुराल में पहुंचती है तो चतुर्थी रात्रि में वो पति के लिए भार्या का रूप धारण करती है।